नमस्कार एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी? होप कि आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। सो जैसे कि आज के थंबनेल में आपने देखा है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब हम हमारी योगा जर्नी हम स्टार्ट करते हैं तो हम ऐसे ऐसे आसन देखते हैं जिसमें बॉडी फुल तो अच्छी तरीके से स्ट्रेच रहती है, उनकी एकदम फ्लेक्सिबिलिटी उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा होती है, वो कोई भी आसन इतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। तो वैसी हमारी बॉडी क्यों नहीं, हम सोचते हैं कि क्यों हम ऐसी बॉडी के साथ में योगा क्यों नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं आज आपको कुछ बहुत ही सिंपल ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी के आसन बताने वाली हूँ जिनको आप डेली बेसिस पे करके अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आसन रहेगा हमारा, हम लेट के ही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट जाएंगे अपनी मैट पे। बॉडी को रिलैक्स करते हुए सबसे पहले हम लंबी गहरी दो सांसें लेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। बॉडी को रिलैक्स करते हुए अपने दोनों पैरों को हम पास में लाएंगे एंड अपने पैरों को हम साइड में लेके जाएंगे और अच्छे से उनको स्ट्रेच करेंगे। कमर को एकदम सीधा रखेंगे, दोनों पैरों को हम साइड में लेके जाएंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे। होल्ड रखना हमें 5 सेकंड तक। लंबी गहरी सांस लेते रहनी है, सांस बाहर छोड़नी है, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अगेन साइड चेंज करेंगे हम अपने साइड को, अपने पैरों को साइड में मूव करते हुए होल्ड रखेंगे 5 सेकंड तक। इनहेल एंड एक्सेल। नेक्स्ट अपने पैरों को हम रिलैक्स करते हुए अपने राइट नी राइट पैर को हम लेफ्ट नी के ऊपर रखेंगे एंड अपने लेफ्ट पैर को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे एंड दोनों हाथों से हम थाई को अंदर की तरफ पुश करेंगे एंड बॉडी को स्ट्रेच करेंगे अच्छे से। होल्ड रखेंगे 5 सेकंड तक। लंबी गहरी सांस लेते हुए सांस बाहर छोड़ेंगे। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। बॉडी को रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट अपने लेफ्ट पैर को अपने राइट नी के ऊपर रखेंगे एंड थाई को अंदर की तरफ पुश करते हुए इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे अपने राइट पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे एंड अपने दोनों हाथों से थाई को अंदर की तरफ पुश करेंगे एंड होल्ड रखेंगे 5 सेकंड तक। बॉडी को अच्छे से रिस्ट्रेच करेंगे। अगेन अपने लेग को चेंज करेंगे। नेक्स्ट लेग चेंज करते हुए स्ट्रेच करेंगे अच्छे से। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अगेन अपने पैरों को हम नीचे की तरफ लाएंगे, अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हुए हम उठाएंगे वापस। नेक्स्ट आसन रहेगा अपना, अपने राइट पैर को बाहर की तरफ ओपन करेंगे एंड अपने लेफ्ट पैर को पीछे की तरफ, बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। ये हमारे पैरों के लिए भी बहुत अच्छा आसन है, ये हमारे पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट 5 सेकंड होल्ड करते हुए अपने लेग को हम चेंज करेंगे। अगेन अपने पैर को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे।
लंबी गहरी सांस लेते हुए सांस बाहर की तरफ, नेक्स्ट आसन हम करेंगे अपने राइट पैर को आगे की तरफ निकालते हुए अपनी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, रिलैक्स करेंगे बॉडी को अच्छे से। नेक्स्ट हमारे लेफ्ट पैर को बाहर की तरफ ओपन करेंगे, एंड बॉडी को हम अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। आप नी को हल्का सा बैंड रख सकते हैं, जो यदि आप बिगनर है फ्लेक्सिबिलिटी में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगेन हम पैर को पीछे की तरफ करेंगे। नेक्स्ट अपनी मेट पे बैठ जाएंगे। नेक्स्ट आसन रहेगा हमारा अपने राइट पैर को हम सीधा रखेंगे, एंड अपने लेफ्ट पैर को हम थोड़ा सा साइड में बैंड करते हुए अगेन अपने इस हाथ से बॉडी को हम रिलैक्स करते हुए इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। नेक्स्ट अपने राइट नी को हम साइड में लेके जाएंगे एंड बॉडी को रिलैक्स करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करेंगे हम। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे। यस, तो ये कुछ स्ट्रेचेज है जो आप अपनी डेली रूटीन के अंदर कर सकते हैं, जो यदि आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो जो यदि आपको ये आसन अच्छे लग रहे हैं, आपके लिए वैल्यूबल हो, तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।